अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में शादोबाद होंगे। नए दिन और नए दिन का आगाज। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो है विंटर सीजन आ गया है, तो अब जो है हमारी स्किन इतनी ड्राई हो रही है और अच्छा लग रहा है। सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ वैसे आपको मालूम है 3 महीने की होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने की होती हैं, फिर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सर्दी हो गर्मी हो, तो अल्लाह ताला ने हर दिन जो है हम सब के लिए बनाए हैं। तो चलिए आपको मैं आज का दिखाती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। यहाँ तो यहाँ पर जो है महरमा खड़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि महरमा को जो बहुत तेज़ बुखार हो गया, मैं उनको लेकर गई थी तो वो उस दिन फ्रेश भी हुई थी और बाहर ठंड भी हो रही थी। बस आपको मालूम है कि आजकल जो है वो वायरस भी चल रहा है, तो वो मेरे पास ही खड़ी है। मैं आपको मिलाती हूँ उनसे, उनकी तबीयत जो है ना वो अचानक से ख़राब हो गई। यहाँ देखिए महरमा को बुखार हो गया ना, महरमा घूमने गई थी, महरमा को बुखार हो गया। बताइए। मुझे बुखार हो गया, हाथ लगाया मेरी बेटी को बुखार हो गया, मेरी बेटी को बुखार हो गया। अब महरमा जो है ना वो कपड़े चेंज करवाती हूँ मैं उनके, क्योंकि मैंने महरमा के कपड़े निकाले हैं। ठीक है, महरमा मुँह हाथ धोएगी। और ये वाला महरमा का ये ड्रेस निकाला है मैंने अभी, ये अभी मैं इसको सीधा करूँगी, फिर मैं इनको पहनाती हूँ। बोले मैं फ्रेश होने के बाद आपसे मिलती हूँ। आपके घर से रेड होने के बाद मिलती हूँ। ओके, बोलो मेरे लिए दुआ करें साहब। मेरे लिए दुआ कर ले साहब, मेरी सही हो जाए। ये देखिए महरमा रेडी हो गई है। वाह भाई वाह। और अब मैंने व्लॉग निकाल लिया, अब आपको दिखाती हूं। ये देखें, ये जब महरमा के टॉयज है ना, ये जब महरमा की बर्थडे हुई थी ना, तो जब महरमा को मिले थे, महरमा ने सारे निकाले। बस अब ये जो है ये लास्ट टॉयज थे महरमा के, है ना महरमा। ये क्या है? ब्लॉक्स। अब आप इसके ब्लॉक्स बनाएंगी ना। अब मैं आपको करके दिखाती हूं। नहीं खुल रहा, मैं अभी आपको खोल के देती हूँ। मेरी बेटी को बुखार सही हो गया ना, ये देखें। और ये मेरे हाथ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है ना गरम गरम ऑयल आ गया मेरे हाथ पर यहाँ पर। और ये देखें आप, गरम जो ऑयल की छींटे आई है ना, तो ये मेरा हाथ जल गया। कितना बुरा लग रहा है ना, मम्मा का हाथ जल गया ना। मना कैसी तबीयत है आपकी महरमा, बताइए ना। देखें सब आपको देख रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक हो गई, थोड़ी बहुत बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। शर्ट पहनी है महरमा ने, वो गरम ड्रेस पहने ना, गरम विंटर सीजन आ गया। मोजे नहीं कहते, सॉक्स कहते हैं। जी वो भाई वाह, महरमा तो बहुत अच्छी लग रही है। चले अब हम महरमा को ये खोल के दिखाते हैं। खुल गए हैं महरमा के कारण। महरमा ये बिल्डिंग बनाई है। ओ ओ, ये क्या हुआ? ये देखे, ये टूटा हुआ निकला। ओ ओ महरमा, ये क्या हो गया? ये देखे महरमा, आप क्या बनाएंगी? कुछ बनाएंगी आप? चलो चलो। और ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी सेटिंग चेंज हो गई है, और यहाँ पर जो है हमने नीचे ये जो है कुशन लगा दिए हैं, यहाँ पर हमने कारपेट जो है बिछाया है, और यहाँ तो हमारे पर्दे लगे हुए थे। यहाँ पर जो है इस साइड पर हमारे सोफे थे, सेटिंग तो हमारी यहीं पर ही थी, और ये वाला बड़ा सोफ़ा हमारा यहाँ लगा हुआ था, पर्दे भी यही थे। और ये वाले जो है हमने दो सोफ़े यहाँ पर लगा दिए। तो ये देखिए थोड़ी सी जो है ना हमने अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग की है, और यहाँ टेबल भी लगा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेबल भी जो है हमने यह हटाई हुई थी। अम्मी की तस्वीर लगाई है, ये देखें, ये जो है अम्मी की ये तस्वीर है, इस पर अम्मी जो है वो यंग एज की हैं। और ये देखें यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो दो सोफ़े लगे हुए थे, अब हमने यहाँ से हटा कर वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए, और यहाँ पर जो है हमारे कुशन थे वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत जो है हमारे ड्राइंग रूम का लुक आ रहा है, बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है हमारे मम्मी पापा की तस्वीर आ गई है, ये खूबसूरत लग रही है। ऊपर जो है हमारे दादा पी की तस्वीर है। आपने मेरे साथ क्या किया है? ये देखे महरमा का जो है ना यहाँ पर सूप बना हुआ है, तो महरमा जो है चिकन सूप पी रही है।
यहाँ पर जो है मेहरमा की चाय है और अभी जो है मेहरमा के लिए देखते हैं स्लाइस है या बिस्किट है जो भी आएगा हम खिलाएंगे मेहरमा को। खाइए सुपीरियर है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट भी निकल चुके हैं, सर्दियाँ आ गई है ना मेहरमा। ये क्या किया आपने? और यहाँ पर जो है मेहरमा के चाय पापा है, मेहरमा चाय पापा खाएंगे अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। खाइए खाइए, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। बस बस हो गया, चलो दीदी खाओ ना जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी खाइए। तो जी हाँ, मैं जो है अब किचन में जा रही हूँ क्योंकि हमारे जो है वो नहारी बन रही है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन में। लेट्स सी। और यहाँ पर जो है हमने जो है अपने प्याज ले ली थी, प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था, ऑयल गर्म हो गया था, उसमें जो है हमने उसको जो है फ्राई किया था और उसके बाद जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। फिर हमने जो चिकन हमारी जो धुली हुई थी, फ्रेश चिकन थी, वो हमने इसके साथ ऐड किए, इतना हमने भुना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और यहाँ पर जो है हमने तीन चार जो है अपने स्पून हमने आटा लिया है, एक बाउल में आटे को हम इतना जो है थोड़ा हमने पानी लिया है, इतना ब्लेंड कर रहे हैं ताकि ये जो इसकी जो है लम्स ना बने। और यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा जो है ना ये फट गया है, एक लई जैसी हमने बना ली। और ये हमारे पास नारी पैकेट है, नारी पैकेट हमने इसमें ऐड किया है और कुछ जो है हम अपने घर के मसाले भी ऐड करेंगे। और अब जो है मैं इसको भून रही हूँ मसाले के साथ, जो है इसका इतना अच्छा कलर आ जाएगा और अब जो है हल्की सी ये जो भून जाएगी वो ऊपर आ जाएगी और उसी के बाद जो है मैं इसको अभी भूनती रहूँगी ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने आटे का पेस्ट बनाया था, अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी हल्के हल्के हाथ से, इसको मैं चलाती रहूँगी ताकि ये जो है ना आटा लगे ना। और इसी तरीके से जो है नहारी बनती है, सब बनाते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हमारा तरीका अलग है। और बस ये है कि खाना जो भी हो अच्छा बनना चाहिए, घर में सबको पसंद आना चाहिए। और नहारी जो है ये तो बनती है ऐसी, ये बहुत कम बनाई जाती है, बच्चे भी जो है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, हमारे सुबान जो है वो उसको नहीं खाते और बाकी सब जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। और अब यहाँ पर ये देखें मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है, उसको पहले मैंने चला लिया था, अब पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो है चिकन भी इसमें गल जाएगा और जितना हमने इसमें आटा लिया था ना तो वो हल्के आंच पर जो है हम इसको पकाएंगे, एक उबाल लेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये जो गाढ़ापन आ जाएगा नहारी बनना स्टार्ट हो जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टीम पर रख दिया था और यहाँ पर देखे यहाँ हमारी नहारी बन रही है और यहाँ पर जो है हमारी रेडी हो गई है। बस हमने दस्तरखान लगा दिया है, सर्व कर दिया, यहाँ पर बच्चे जो है बहुत शौक से खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, मैं भी बैठ रही हूँ। तो जी मैं जो है यहीं से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और हम सब ने जो है खाना खा लिया है और बहुत मज़े की नहारी बनी है, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो अब यहीं से जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को करते रहिए इंजॉय। लेकिन दोस्त दिल किसी का मत तोड़िए, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है सच में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Thank you.